हेलो एवरीवन, वेलकम टू द व्लॉगिंग ऑलराउंडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको लेकर के आया हूँ गौशाला में, जो कि मुरादनगर में रावली रोड पर स्थित है, गुड़मंडी के अंदर। तो आओ आपको मैं अंदर से दिखाता हूँ गौशाला में, यहाँ पे जो गौ सेवक हैं वो कैसे गौ माता की सेवा करते हैं और कैसे कैसे यहाँ पर कार्य किया जाता है। तो आओ अंदर आपको मैं दिखाता हूँ। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे दो पर्सन हैं, मिस्टर शिवा और संकित त्यागी। तो हेलो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, बताओ। बस बढ़िया हैं। तो आप लोग सेवा करते हो गौ माता की? जी है। तो कैसे कैसे आपका संगठन या क्या कुछ बताएंगे अपने बारे में, काम करते हैं? कम से कम लगभग, मेरा नाम शिवा शर्मा, गौ सेवक मुरादनगर से जी। और कम से कम हमें 10 वर्ष हो चुके हैं अपना गौ माता की सेवा करते करते हुए। और हमारी टीम है युवा गौ सेवा समिति के नाम से, हमारा एक संगठन भी है, ग्रुप भी है। और जी, हमारी जी। टीम में जो हैं गौ सेवक भाई, कम से कम लगभग 70-80+ लड़के हैं फिलहाल, तो जो अभी मतलब लगभग काम कर रहे हैं। वो मुरादनगर से ही हैं या? जी, मुरादनगर से ही हैं। अच्छा। और सभी भाई आसपास, जैसे हमारे पास सूचना आती है किसी गौ माता की जी, कि वहाँ पे किसी खेत में घायल अवस्था में गौ माता है जी, या किसी ने एक्सीडेंट से, गौ माता कोई एक्सीडेंट से हो गई है जी जी, तो हमारे तुरंत भाई, गौ सेवक भाई तुरंत पहुँचते हैं और उसे किसी समाधान है, किसी मतलब किसी गाड़ी के द्वारा उसे गौशाला लाया जाता है और उसका ट्रीटमेंट होता है, फिर यहाँ पे इलाज होता है उसका अच्छे से, फिर उसको अपने खाना या चारा मतलब सब चीज़ व्यवस्था है, पानी है, खोर है, सब चीज़ सेवा करी जाती है जी। तो थोड़ा विजिट कराएंगे अपनी गौशाला में, कैसे यहाँ पे? बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं काफ़ी साफ सफाई का तो ध्यान रखा हुआ है यहाँ पर। डेली बेसिस पे सफाई होती है जी यहाँ पे? डेली आते हैं कर्मचारी और नगर पालिका से। ये अपना अभी भी साफ लग रहे हैं। और तो गाइज आप देख सकते हैं साफ़ सफाई का काफ़ी ध्यान है और यहाँ पर जो कर्मचारी हैं साफ़ सफाई कर रहे हैं। हेलो, ये इधर है। अब सब गौ माता ने मतलब सब कुछ खा लिया, खाना वगैरह अपना, तो ये आराम से कच्चे में बैठी है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में यहाँ गौ माता हैं और अपना आराम कर रही हैं, कच्चे में खुला छोड़ देते हैं खाना खाने के बाद। अपना ये निहार विहार सब मतलब सब कुछ अपना पेट भर लिया है, अपना खाना वाना सब खा लिया है और ये अपना कच्चे में आराम से बैठी हैं। ये तो अच्छा किया हुआ है कि यहाँ पे कच्चा है तो आराम से इन्हें काफी आराम। यहाँ पे जो पक्का होता है ना, तो मतलब ये गाय के और मतलब पैर आने की संभावना होती है जी, यहाँ पे कच्चे में आराम से बैठ सके जी। अपना ये खाद से घेर रखा है हमने ये। हाँ, मैं आपको तो अभी दिखा देता हूँ, अभी भूसे चारा सब चीज दिखा देता हूँ आपको जी जी। यहाँ पे पानी की सुविधा सब कुछ ठीक हुई है। व्यवस्था तो काफ़ी अच्छी है। तो अच्छा, ये अपना भूस का स्टॉक है जहाँ पे है ये गौ माता के लिए। अच्छा, जो खल वगैरह, खल चोकर वगैरह जो होता है वगैरह ये, और ये हरा नहीं आ रही है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। ये हरा नहीं आ रही है काफ़ी अपना भी अभी। अच्छा, ये भूस में मिला करके? हाँ, ये भूस में मिला के अपना थोड़ा गुड़ मिला के अपना इन्हें खुआ देते हैं। वो अभी थोड़ा हमारे लोग गौशाला के जो कर्मचारी हैं वो अभी खोर में डाल रहे हैं। और आपका अभी खाए तो अच्छा, इनकी मतलब तैयारी कर रहे हो इनके चारे के लिए? हाँ, अभी यहाँ पे अभी एक हफ्ते से पहले पहले अभी यहाँ ईंट मंगवाई है, अभी यहाँ पे एक और 3 सेट डल गए, अभी काम चालू है। अच्छा अच्छा। और जैसे घायल गो आती है ना, घायल अवस्था में गौ माता आती है, कोई भी आती है, तो उस किलो में छोटा सा मतलब गौशाला में छोटा सा अस्पताल मंगा रहे हैं, जो इलाज हो सके अच्छे से। अच्छा अच्छा अच्छा। जो डॉक्टर के लिए मतलब एक अलग से स्पेस रहे कि उसकी जी। और ये हमने डॉक्टर साहब के लिए 3 रूम बनवाए हैं, जो कि डॉक्टर साहब अपने यहाँ पे परमानेंट 24 घंटे अवेलेबल रहेंगे।
तो गाइस आप देख सकते हैं डॉक्टर्स के लिए जो गौ माता बीमार या कुछ चोट लग जाती है उसका इलाज प्रॉपर तरीके से हो सके उसके लिए यहाँ पे ये जो एक डॉक्टर बनाया हुआ है, एक डॉक्टर यहाँ पर परमानेंट रहेंगे। ये पानी की खोर है, अपना समर सेविल भी नहीं लगा हुआ और पानी की व्यवस्था आप देख सकते हैं, ताजी पानी भरते हैं, रोज सफाई होती है इसकी भी, एकदम क्लीन है पानी भी पशु के लिए, बहुत अच्छी व्यवस्था है जो मैं देख पा रहा हूँ। तो और देख सकते हैं यहाँ पे तीन सेट डाले हुए हैं, एक ये है, एक राइट में है और एक इधर आप देख सकते हैं लेफ्ट की तरफ में है। तो यहाँ पे कुछ लोग साफ़ सफाई कर रहे हैं। और इसमें अंदर क्या है यहाँ पर, जैसे ये थोड़ी देर बाद जैसे अपना ये दिखाई टाइम पर आ जाएंगी और अपना ये मैं यहाँ भी सानी वगैरह हो जाएगी अपने खाते रहने चारों। ये रात को यहाँ पर किस प्रोजेक्ट में अगर ठंड पड़ी थी ना तो चारों पर्दे बंद करके अपने यहाँ पे रात के लिए, रात को या ठंड हुई थी अभी तो चारों पर्दे बंद थी। हाँ अभी जैसे दिन में है तो धूप है तो बाहर खुले में, बाहर खुले में तो अब जैसे ठंड आती है थोड़ा ठंडा मौसम हो जाता है जी जी जी, अंदर कवर कर देते हैं जी ताकि ठंड नहीं लगे जी। नंदी महाराज का भी अपना एक अलग, अच्छा अच्छा गो माता है उधर नंदी महाराज हमारे। तो गाइस अभी देखा था अभी आपने तो वहाँ पे सिर्फ गायें थीं और अब जो है नंदी महाराज हैं, नंदी महाराज अब यहाँ पे नंदी महाराज हैं, उनको अलग पोर्शन दिया हुआ है। तो अभी जो कर्मचारी हैं वो उधर सफाई कर रहे हैं अंदर, तो उसके बाद में यहाँ पे सफाई होगी। साफ़ सफाई की तो मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छी व्यवस्था आप लोगों ने यहाँ पे की है, पानी की और खाने की व्यवस्था जो है बहुत अच्छी है। तो आपसे हाथ जोड़ रहे हैं अगर कहीं भी गाय घायल अवस्था में कहीं भी देखे रात के 12 बजे हो चाहे पूरी रात हो 24 घंटे अवेलेबल है, कभी भी फ़ोन कर देना, नंबर नोट कर लीजिए 9084530141, कभी भी फ़ोन कर देना 24 घंटे हम अवेलेबल हैं, तुरंत आएंगे और गौ माता का तुरंत उपचार करवाएंगे। और हमने अभी एक चैन पुलिंग बनवाई है, मतलब पैर में चोट लग जाते हैं वो उठ नहीं पाती हैं जी जी, तो वो मतलब जैसे काफ़ी दिन से हो जाती है जैसे नीचे पड़े पड़े जी जी, तो नीचे कीड़े लग जाते हैं मतलब उठ हाँ। नहीं पाती वो, चल नहीं पाती जी जी जी। तो हमने उनके लिए चैन पुलिंग बनवाई है अपनी सब गौ सेवक भाइयों ने मिलकर जी, अपने सबके सहयोग से जी जी, तो वो हमने एक चैन पुलिंग बनाई वो ताकि गौ माता उठ सकते और गौ माता चल सकते और पैर उसके काम आगे मतलब एक नया जीवन मिल जाए, नया जीवन मिल जाए जी। तो आप देख सकते हैं ये चैन पुलिंग है, तो थोड़ा बताएंगे कैसे काम करती है। यहाँ पे एक मतलब तीन चार मतलब बेल्ट है, तो यहाँ पे बेल्ट लग जाएगी और यहाँ पे फिर जो उसके पेट से नीचे को निकाल कर फिर यहाँ पे लग जाएगी, ये अगर नीचे करना होगा तो ये नीचे से नीचे हो जाएगा, मतलब नीचे बैग उठानी पड़ेगी। तो देखो ये जैसे ऊपर की तरफ घुमा रहे हैं तो ये ऊपर की तरफ उठ रहा है। तो एक गाय जो पशु हैं उनको ऊपर और मतलब उन्हें बैठाने के लिए खड़ा करने के लिए होता है किसी की मतलब टांग मतलब थोड़ा मतलब गल जाती है, जाती है तो कमजोरी है उठ नहीं पाती जो, तो मतलब उसके इसके सहारा मिल जाता है इससे मतलब उठ पाती है उसके स्टाइल हो जाती है। बहुत अच्छे, कहना चाहेंगे कहीं भी गौ माता है उसकी सेवा करें, उसको परेशान ना करें। अगर बाई चांस कहीं आपको परेशान अवस्था में आपको मिलती है या दिखाई देती है तो जो भाई ने भी शिवा भाई ने जो नंबर दिया है तो प्लीज़ उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना और गौ माता को एक अच्छा स्थान मिल सके। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।